बैक टू माय चैनल हेलो विक्टिम्स। तो आज की वीडियो के अंदर में हम जावा स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट मेथड के बारे में देखने वाले हैं कि ये जावा स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट मेथड किस वर्क कर सकता है। तो देख सकते हैं गैस, यहाँ पर हमने एक इनपुट लिया है एंड जिसे इसके अंदर हम लोग रिप्लेसमेंट करके हम इसमें एक एक्स्ट्रा कीवर्ड हम ऐड कर रहे हैं। है तो क्या हो सकता है, हम इसको किस तरह कर सकते हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलो मैं अपने वीएस कोड पे आ जाता हूँ एंड देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक रिप्लेसमेंट का एक फोल्डर बना रखा हुआ है। एंड देख सकते हैं हमने पिछले सर्चिंग अपडेट एंड बहुत सारे वीडियो हमने इस चैनल पे कवर की है एंड जाके प्रीवियस वीडियो को वॉच करो, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो चलो हम रिप्लेसमेंट मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले एक मैं मेन मेथड बना लेता हूँ एंड मेन मेथड के अंदर सबसे पहले हम इसमें हम लोग स्ट्रिंग को रिप्लेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, स्ट्रिंग वर्ड नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं स्कैनर से इसमें वैल्यू इनपुट करूंगा, मतलब यूजर इसमें वैल्यू इनपुट करेगा। ठीक है, तो इसमें स्कैनर का यूज कर लेते हैं। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। आई थिंक आपको स्कैनर का यूज करना आता होगा, नहीं आता होगा तो आप मैं कुछ कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो लाऊंगा। एंड स्कैनर को मैंने यहाँ पे यूज कर डाला है। उसके बाद क्या करना है मुझे, ये जो वर्ड नाम का जो वेरिएबल स्ट्रिंग लिया है मैंने, उसके अंदर मैं अपने वैल्यू को असाइन करने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करता हूँ, चलता हूँ मैं नीचे में एंड क्या है वर्ड वर्ड इक्वल टू sc.nextLine। एंड इसके बाद क्या होगा, जो भी यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा कंसोल से, वो वैल्यू जाके वर्ड में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम इस पे एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो क्या होगा, हमारा जो भी वैल्यू है वर्ड के अंदर स्टोर हो रहा है। तो मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर हम रिप्लेस हुए कीवर्ड को हम यूज करेंगे। तो स्ट्रिंग आंसर नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसके अंदर हम लोग जो भी हमारा वैल्यू जो रिप्लेस होके आएगा उसको हम इसमें स्टोर कर देंगे। ओके, तो वर्ड के अंदर वर्ड को मैं ऐसे ले लेता हूँ वर्ड डॉट, एक इसका एक मेथड होता है रिप्लेस का। एंड रिप्लेस यहाँ पर देख सकते हैं रिप्लेस आ चुका है। तो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में देना है कि कौन से वर्ड को हमको टारगेट करना है। तो आपको यहाँ पर आपका टारगेट देना है। तो मैं यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ ई को एंड ई को टारगेट करने के बाद उसको चेंज किस में कराना है। आप यहाँ पर कुछ भी वर्ड दे सकते हो जिसपे आप टारगेट करना चाहते हो, वो उसमें रिप्लेस कर देगा। तो मैं चाहता हूँ कि डबल ई, जैसे कि हमने देखा था कि हम रिप्लेस करवा के एक ई को हम डबल ई में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो देख सकते हैं मैं यहाँ एक ई को टारगेट कर रहा हूँ जो कि टारगेट होकर डबल ई में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो देन यहाँ पर मैं सेमी कोलन करके इसको क्लोज कर देता हूँ एंड इसको मैं साउथ करके इसको प्रिंट कर देता हूँ साउथ। एंड अपने आंसर वेरिएबल को प्रिंट करवा देता हूँ एंड स्कैनर के ऊपर मैं एक और साउथ लगा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन सा जगह पे मुझे स्कैनर मुझे एक्टिव होगा। तो यहाँ पर मैं एंटर वर्ड सिंपल सा हम एक प्रिंट कराएंगे ताकि पता चले स्कैनर अब मुझे स्कैन करना है। तो मैं इसको रन कराता हूँ इस मेथड को एंड देखो एंटर वर्ड का ऑप्शन आ गया। तो सिंपली यहाँ पर हमारा जो इनपुट था है मैं उसको एंटर करूंगा एंड आउटपुट मुझे आएगा। एंड आउटपुट थोड़ा अच्छे से मुझे देखने के लिए मैं यहाँ पर आउटपुट करके यहाँ पर लिख भी देता हूँ आउटपुट। ओके, एंड यहाँ पर हम कॉन्ट के नोटेशन यूज करेंगे एंड उसके बाद मैं इसको रफी से एक बार रन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं अपना वर्ड एंटर करूंगा हे एंड आउटपुट देख सकते हैं कुछ इस तरह से मिल रहा मुझे। मैं वापस एक और वो लगा देता हूँ तो स्पेस बने रहेगा। अब मुझे थोड़ा सा अरेंज दिखेगा। पहले मैं कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से कंसोल हमारा ओपन हो चुका है एंड यहाँ पर मैं फिर से हे टाइप करूंगा एंड आउटपुट देख सकते हैं किस तरह से आउटपुट आ चुका है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में देखा था हम कुछ इस तरह से आउटपुट लेने वाले हैं। सपोज आप चाहते हो कि कुछ और करो, जैसे कि मैं सपोज मेरा नाम चंदन है तो मैं अपने नाम में डी के बाद एन लगाना भूल गया। तो ए को मैं टारगेट करूंगा, सॉरी ऐसा भी नहीं कर सकता मैं सपोज टी ले लेता हूँ। ठीक है, टी के जगह मैं अपने नाम को कंप्लीट करूंगा TAN। ठीक है, अब ऑटोमेटिक जब भी मैं इसको रॉन्ग भी करूंगा तो ये ऑटोमेटिक उसको फिल फिल कर देगा मेरे नाम को। तो देख सकते हैं मेरे नाम का स्पेलिंग है। मैं इस कंसोल को क्लियर करता हूँ, एक नया कंसोल ओपन करता हूँ। हाँ, तो देख सकते हैं मेरा नाम है चंदन, बट मैं ए अपने लास्ट के AN को नहीं लिखने वाला हूँ। यहाँ पर मैं दो वर्ड को मिसिंग करने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं टी डालने वाला हूँ। अब क्या करेगा, ये जो मेरा प्रोग्राम है वो टी को फाइंड करेगा, उसकी जगह पे AN लगा देगा, मतलब मेरे नाम को करेक्ट करके दे देगा। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा दबा के,
चंदन मेरा परफेक्ट लिख के आ चुका है। तो इस तरह आप इस रिप्लेसमेंट का यूज कर सकते हैं। सपोज चलो मेरा नाम चंदन भारद्वाज है, तो मैं सिर्फ बी लिख रहा हूँ और पूरा भारद्वाज आ जाए। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ बी है एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भारत। ओके, तो इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं फिर से इसको चलाता हूँ मैं एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ चंदन बी एंड देख सकते हैं चंदन भारद्वाज को लिख किया गया। तो इस तरह से रिप्लेस कीवर्ड का यूज करके आप अच्छे अच्छे ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप ये वीडियो आपको थोड़े भी हेल्पफुल लगे होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड यहाँ पर आपको जावा एंड जावा स्क्रिप्ट एंड अदर लैंग्वेज में भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा मैं, ऐसी हेल्पफुल छोटे छोटे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।